छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जिला पंचायत हमतरी के सभा कक्ष में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान सुनवाई के करीब 26 से लेकर 29 मामले पहुंचे थे और जिसमें कई मामलों को निस्तारण किया गया। इनमें 3 से 4 मामलों को सुनवाई के लिए रायपुर स्थानांतरित किया गया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि सुनवाई में सबसे ज़्यादा महिला प्रताड़ना के मामले आते हैं, जिसमें पति पत्नी की कलह सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बताया जा रहा है कि राज्य महिला आयोग सुनवाई में आई प्रकरणों में आपसी सुलह और राजीनामा कराने की पूरी कोशिश करता है ताकि किसी परिवार को टूटने से बचाया जा सके। ऐसे में लोगों का महिला आयोग में विश्वास बढ़ा है, इसके कारण से केसों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज हम धमतरी में हमारी लगातार 5वीं जन सुनवाई है मेरे कार्यकाल की। 3 साल का मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ है, अभी 24 तारीख से मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू है और मेरे पूरे कार्यकाल में ये 204 नंबर की जन सुनवाई है। आज के कार्य इसमें लिस्ट में हमारे पास लगभग 29 मामले हैं, कई मामले अभी नस्तीबद्ध हो गए हैं। लगभग 3 से 4 मामले हमने रायपुर सुनवाई के लिए स्थानांतरित किए हैं, जिसमें से 3 मामले मियां बीबी के आपसी समझौते से सुलहनामा और तलाकनामे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए है। क्योंकि मल्टीपल जब केसेस मियां बीबी आपस में कर लेते हैं तो उसमें भी फैमिली कोर्ट उनको कहती है कि आप लोग किसी एक नतीजे पर पहुँचें और उसके लिए सुलहनामा करना आवश्यक होता है।